यह आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश को याद दिलाया कि ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत संवेदनशील विषय है। अगर इसमें पक्षपात पूर्वक रवैया हो, इसमें एक बायस एटीट्यूड हो और इसमें हम राजनीतिक पुट देने की कोशिश करें कि ये जो घटनाएं हो रही है वह हमारे राज्य में हो रही है जहां कांग्रेस के शासन है और इस कारण से हमें चुप्पी साधना चाहिए और बाकी घटनाएं दूसरे राज्यों में हो रही है इसलिए इन घटनाओं के आसपास हमें राजनीति करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यह भी मानव अधिकार का हनन है। दिस इज ऑल्सो इन अ वे हर्टिंग द ह्यूमन सेंटिमेंट्स एंड ह्यूमन राइट्स इफ यू ट्राई टू बी सिलेक्टिव इन रेजिंग ह्यूमन राइट्स। कुछ उदाहरण आज हम देना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश हुई। बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा और आज पुनः मैं कहता हूं, लखीमपुर खीरी में जो हुआ है वो दुखद है। उस पूरे विषय में एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किंतु दुखद है कि जिस प्रकार की राजनीति कुछ राजनीतिक पार्टी कर रही है और वोट की खेती करने की कोशिश कर रही वो हम सब देख रहे हैं और खास करके गांधी परिवार। आज कुछ प्रश्न हम गांधी परिवार से पूछना चाहते हैं। प्रियंका जी और राहुल जी आज अपने आप को चैंपियंस ऑफ दलित राइट, चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मगर प्रियंका जी क्या यह सत्य नहीं है?